हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 7 जो कि बात करता है द बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ पर मैंने सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 114 तक यहाँ पर लिखा है। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि मैम आप इंग्लिश में नोट मत किया कीजिए, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पर जैसे सेक्शंस तो बहुत सारे बड़े बड़े दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस को निकालकर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में नोट करने का काम किया है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे लोगों को कंफर्टेबल हो सके। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से कहा जाए कि जे हो गया या फिर नेट जेआरएफ हो गया या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं इस बर्डन ऑफ प्रूफ से। इसलिए आप इसे ध्यान समझेंगे क्योंकि ये सब जो सेक्शंस हैं जो 113A है 113B है ये क्वेश्चंस जो है इससे बहुत सारे निकल के आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं सेक्शन जो है 101 क्या कहता है ये इसको समझने से पहले हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है यहाँ पर ए कहता है कि बी के बारे में कि बी ने क्या किया है सी का मर्डर किया है। क्या किया है सी का मर्डर किया है और सी के घर में जितने भी उसके घर में सामान रखे हुए थे सारे को चोरी करके चला जाता है। सी के घर में जितने भी सामान रहते हैं उसको चोरी करता है और साथ साथ में सी का मर्डर भी कर देता है। एंड ये बात जो है जाकर डी से क्या कहता है बताता है। क्या करता है डी से बताता है। तो यहाँ पर आपने इस एग्जांपल को समझ लिया। इस एग्जांपल से ही हमारा जो है बहुत सारा सेक्शन जो है 101 से लेके 105 तक सेक्शन जो है कवर होगा। इसलिए इस एग्जांपल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर 101 सेक्शन में क्या कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ पर ए ने क्या किया बी के बारे में इल्जाम लगाया। तो यहाँ पर ए की क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स होगा। लाइबिलिटी एंड राइट्स क्या होगी ए की कि तुम भाई प्रूफ करो कि भाई ए बी ने क्या किया है बी ने सी का मर्डर किया है एंड साथ साथ में जाके ए के यहाँ से जितने भी सामान रखे हुए थे उसको चोरी किया। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन 101। अब यहाँ पर सेक्शन 102 क्या कहता है। सेक्शन 102 आप बेयर एक्ट ओपन कर लेंगे ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल हो। यहाँ पर सेक्शन 102 कहता है कि सबूत का भार यहाँ पर सबूत का भार मीन्स कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किस पर होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर ए पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि भाई तुम साबित करो कि बी कैसे सी का मर्डर किया है एंड सी के यहाँ से जो भी सामान थे उसको चुरा कर लेके गया है भाई तुम साबित करो। अब यहाँ पर सेक्शन 103 क्या कहता है विशिष्ट तथ्य मीन्स पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात करता है। पार्टिकुलर फैक्ट यहाँ पर आप बेयर एक्ट ओपन करके देखेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट यहाँ पर विशिष्ट तथ्य क्या हो जाते हैं। विशिष्ट तथ्य यही है कि सी का क्या मर्डर किया साथ साथ में उसने सी के यहाँ से जितने भी सामान थे उसको चोरी करके ले गया इसको भी प्रूफ करो भाई इसको भी प्रूफ करो। प्रूफ करो कौन करेगा प्रूफ ए करेगा। अब यहाँ पर सेक्शन 104 क्या कहता है 104 कहता है फैक्ट टू बी प्रूफ टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। यहाँ पर बेयर एक्ट में ये चीज बताई गई है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार मीन्स कि यहाँ पर बताया गया कि जैसे ए ने क्या कहा ए ने कहा कि भाई सी का तो मर्डर हुआ है सी का मर्डर हुआ है किसके द्वारा किया गया है बी के द्वारा किया गया है उसके यहाँ से सामान भी चोरी हुआ। अब जाके किसको कहता है डी को कह देता है। तो ये भी चीज तुम जाके साबित करो कि डी को भाई लेके आओ कोर्ट में पेश करो कि भाई क्या क्या चीज तुमसे कहा है। ये चीज साबित करने का भार किस पर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा ए पर होगा। तो यहाँ पर हमने 104 तक इस जो एग्जाम्पल था उससे हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर 105 क्या कहता है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बातें निकल कर आती है कि एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शंस यहाँ पर क्या चीज कही गई है। अब यहाँ पर एक चीज बात यहाँ पर आती है कि अगर यहाँ पर मामला जो है उल्टा पड़ जाए। अब यहाँ पर बी क्या करता है बी कह देता है कि मैं आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो हूँ सी का मर्डर किया हूँ। हो सकता है कि मैं उस समय अनसाउंड माइंड था उस समय इंसैनिटी था
तो यहाँ सॉरी अनसाउंड माइंड था। यहाँ पर आपको बता दूं कि आईपीसी, यहाँ पर आईपीसी, आईपीसी में आपका जनरल एक्सेप्शन है। कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक? सेक्शन 76 से लेकर 106 तक जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो जनरल एक्सेप्शन में अनसाउंड माइंड भी आता है। तो यहाँ पर अगर अगर बी कह देता है कि मैं जो हूँ कैसे उस समय, अगर हो सकता है कि मैंने क्राइम किया, सी का मर्डर किया, हो सकता है कि मैं उस समय अनसाउंड माइंड हूँ। जनरल एक्सेप्शन में जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर किसको प्रूफ करने का भार होगा? कि भाई अब बी को प्रूफ करने का भार होगा। मींस की बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा कि भाई तुम मुझे बताओ कि कैसे तुम अनसाउंड माइंड थे उस टाइम सी की मर्डर करते टाइम में। तो ये किस पर प्रूफ का भार आ जाएगा, मींस बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? बी पर आएगा। यहाँ पर हमने 105 तक इस जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू हमने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं 106 की तरफ। सेक्शन 106 जो कहता है स्पेशली विद इन नॉलेज, यहाँ पर बेयर एक्ट में आप देखेंगे, बेयर एक्ट में क्या कहता है, जैसे आप कोई भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास क्या था, टिकट था। क्या होती है कि किसी कारणवश जो है आपका टिकट जो है खिड़की से गिर जाता है। क्या होता है? खिड़की से गिर जाता है। तो अब आपको, आप पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप मुझे साबित करके बताइए कि भाई आपने टिकट जो है खरीदा था, और आप मुझे साबित करके बताइए कि आपका जो है टिकट जो है खिड़की से नीचे गिर गया था। तो किस पर? 106 जो है स्पेशली विद इन नॉलेज मीन्स ज्ञान के ऊपर की बात कही गई है, विशेषता ज्ञान तथ्य को साबित करने का भार यहाँ पर बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर 106 भी हमारा कवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 107। 107 जो क्या कहता है, 107 कहता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है 30 ईयर तक क्या रहता है कि कहीं गायब हो जाता है, या फिर 30 ईयर तक कहीं दिखता नहीं है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 30 ईयर तक कोई भी व्यक्ति अगर दिखता नहीं है तो साबित करने का भार किस पर होगा? साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर होगा जिसने कि उसको बताया है कि हाँ भाई 30 साल से वह व्यक्ति जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम लोग ने 107 भी समझ लिया। अब हमारा आता है 108 जो है कहता है कि किसी व्यक्ति का 7 ईयर तक कुछ नहीं सुना गया हो। 7 ईयर तक मीन्स कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष तक सुना नहीं गया है जीवित है या नहीं है, तो उस व्यक्ति पर होता है जिसने कि यह बात को बताया है कि भाई आप जो है, यह व्यक्ति जो है 7 ईयर तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है, इसलिए आप बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? जिसने उसको प्रतिज्ञात किया है, जिसको उसने कहा है। अब यहाँ पर चलते हैं, हमारा सेक्शन हो जाता है 109। 109 क्या कहता है? रिलेशनशिप ऑफ, यहाँ पर इसको मैं बेयर एक्ट से देख लेती हूँ। बेयर एक्ट में मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। रिलेशनशिप यहाँ पर आपका हो जाता है 109 क्या कहता है? रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर यही बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में, या फिर लैंडलॉर्ड के माध्यम से, या टेनेंट के माध्यम से, या प्रिंसिपल के माध्यम से, या एजेंट के माध्यम से कोई भी कार्य करता है, या फिर कोई भी जैसे मालिक है, या फिर उसका जो प्रिंसिपल है, एजेंट है, उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, तो कुछ भी उसमें कुछ भी अगर संबंधों में कुछ भी दरार होते हैं तो साबित करने का भार उसी पर होगा जिसने उसको कोर्ट में मामले को लेके आया है। यहाँ पर हमने क्या किया कि 109 को भी समझ लिया। अब सेक्शन जो है 110 जो है स्वामित्व के बारे में, मींस की ओनरशिप के बारे में बात करता है। ओनरशिप मींस की जैसे कि यहाँ पर ए कहता है कि बी का घर जो है ये नहीं है। क्या नहीं है? बी का घर जो है ये नहीं है। तो किस पर साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? ए पर होगा कि भाई आप मुझे ये साबित करके बताइए कि कैसे कह सकते हो कि बी का ये घर नहीं है। तो
तो यहाँ पर कैसे आप कह सकते हो कि बी का इस पर पोजिशन नहीं है, इसको आप बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किस पर होगा, ए पर होगा। अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 111, गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग अगर बेयर एक्ट की तरफ चले तो गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन मीन्स की जैसे कि कोई भी पिता है वो अपने बेटे को क्या करता है कि जब वो मेजर हो जाता है तो कुछ पैसे जो है देता है उसे बिजनेस करने के लिए, कुछ पैसे क्या देता है बिजनेस करने के लिए गुड फेथ में। तो यहाँ पर गुड फेथ में किया गया ट्रांजेक्शन जो है साबित करने का भार किस पर होगा, उसके पिता पर होगा कि उसने किस तरीके से उसको पैसे को दिया, क्या वह मेजर हो गया था, क्या वह उसने गुड फेथ में दिया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, उसके फादर पे होगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में दिया है तो जो भी ट्रांजेक्शन करता है उस साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, पिता पर होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 111A जो है 1984, ये सब भी आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि 111A जो है कब इसे अमेंडमेंट करके एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद में इसे जोड़ा गया है। तो हमारा 1984 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1984 में इसे एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया है। प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस मीन्स कि यहाँ पर ये वो बात हो जाती है कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसकी जो सेक्शंस जो है 121 हो जाते हैं, 121A हो जाता है, 122 हो जाते हैं एंड 123, ये सब सेडिशन मीन्स राजद्रोह के बारे में बात करता है, या फिर हो जाता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स की सेक्शन हो जाता है 122, 123 के अंतर्गत जो भी अपराध करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता है तो उसके जो भी अपराध या दुष्प्रेरण किया जाता है उसको साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो व्यक्ति लोक शांति में विघ्न को डाल रहा है, मीन्स सेडिशन जो है कर रहा है, उसी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। इसको कब जोड़ा गया था 1984 में, इसे आप नोट कर लेंगे। एंड सेक्शन 112 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि जो विवाहित स्थिति के दौरान जो है कोई भी महिला जो है किसी भी बेबी को क्या करती है, किसी भी बेबी को जन्म देती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि महिला जो है व्यक्ति से डाइवोर्स ले लेती है। डाइवोर्स के दौरान, विघटन के दौरान अगर अविवाहित मीन्स कि वो जो महिला है अगर अविवाहित रहती है, अनमैरिड रहती है, तो 280 डेज, यहाँ नोट कर लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने डेज के अंदर अगर बेबी होती है तो वो बेबी जो है लेजिटिमेट होगी, मीन्स कि आपका हो जाता है कि वह बेबी जो है धर्मज पुत्र होगा, लेजिटिमेट पुत्र होगा। तो 280 डेज के अंदर विवाहित स्थिति के दौरान अगर वो महिला के साथ में उस पुरुष का डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स के दौरान अगर वो महिला अगर अविवाहित रहती है तो 280 दिन के अंदर कोई भी पुत्र अगर पैदा होता है या पुत्री पैदा होती है तो वो जो है धर्मज पुत्र कहलाएगा, मीन्स की लेजिटिमेट बेबी होगा। ओके, यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 113 की ओर। 113 जो है सेशन ऑफ टेरिटरी। अब यहाँ पर क्या कहता है टेरिटरी के बारे में, टेरिटरी के बारे में मीन्स की राज्य क्षेत्र के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में कि जो भी शासकीय राज्य जो राजपत्र है, जो ऑफिशियल गजट है, उसके द्वारा ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का भाग जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया है, तो वो निश्चय सबूत होगा कि मीन्स की ऐसी जो भी सेशन किया गया है, अध्यर्पण किया गया है, उसको इंडिया एक्ट के भाग 3 के अंतर्गत प्रारंभ के पूर्व अभ्यर्पित किया गया है, तो वो निश्चय सबूत होगा कि वह राज्य क्षेत्र जो है भारत के अंदर ही है। ओके, ये आपने सेक्शन को समझ लिया, सेक्शन हो जाता है 113। एंड सेक्शन 113A एंड 113B से क्वेश्चन जो है बहुत सारा पूछा जाता है। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मींस होती है उपधारणा, उपधारणा मींस कि आप जो है एक तरीके से अनुमान लगाना, एक तरीके से कहा जाए अनुमान लगाना। प्रिजम्पशन विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण मीन्स कि यहाँ पर इसको ऐड किया गया है, इसको कब ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है 1983 में। इसको आप नोट कर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया है जे के क्वेश्चन में। एंड दहेज मृत्यु को ऐड किया गया है 1986 में। ओके,
अब यहाँ पर प्रिजम्पशन, विवाहित स्त्री की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण हो गया या आत्महत्या हो गया, मीन्स विवाहित स्त्री अगर 7 वर्ष के अंतर्गत अगर उसके साथ भी कुछ भी होता है, आत्महत्या होती है या फिर कुछ भी, अगर कुछ भी महिला के साथ होता है, तो कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार वह व्यक्ति होगा, पति होगा या उसके पति के जो भी रिश्तेदार होंगे वो जिम्मेदार होंगे या फिर वो दुष्प्रेरित करने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्रूरता मीन्स क्रुएलिटी को वही चीज बताया गया है जो IPC के सेक्शन जो है 498A में क्रुएलिटी के बारे में परिभाषित किया गया है। तो उसको जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उसका वही अर्थ है जो कि IPC में दिया गया है। अब यहाँ पर 113B में क्या कहता है, प्रिजम्पशन, दहेज मृत्यु के बारे में प्रिजम्पशन। तो दहेज मृत्यु के बारे में क्या उद्धारणा हो सकती है? दहेज मृत्यु मीन्स कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी स्त्री के साथ में दहेज के लिए प्रताड़ित किया हो या फिर टॉर्चर किया हो या फिर उसको ऐसी प्रताड़ित करने के दौरान क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में क्रुएलिटी की जाती है, तंग किया जाता है। तो यहाँ पर न्यायालय जो है ऐसे व्यक्ति को दहेज मृत्यु के लिए उद्धारित करेगा, मीन्स की प्रिजम्पशन करेगा, मीन्स की उद्धारणा करेगा कि वही व्यक्ति मीन्स पति या उसका नातेदार जिम्मेदार होगा जिसने दहेज के लिए किसी भी महिला की मृत्यु कारित की। इसको ऐड किया गया है आपका 1986 में, ये क्वेश्चन 20 बार पूछ चुका है इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि दहेज मृत्यु मीन्स की हो जाता है कि जो डाउरी डेथ है वो IPC के जो 304B है उसके अंतर्गत सेम रहेगा, मीन्स की सेम मीनिंग है। ओके, अब यहाँ पर 114 मींस कि हमारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो लास्ट जो सेक्शन है 114 में कहा गया है कि कोर्ट जो है किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उद्धारणा करेगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि मैम इसको हम लोग कैसे समझेंगे। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक समझ लीजिए एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति के पास में बहुत ही कॉस्टली फोन है। अफकोर्स हम जान रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो बहुत गरीब है, उसके पास इतनी कॉस्टली फोन जो है आ नहीं सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है प्रिजम्पशन करेगा कि या तो वह व्यक्ति चुराया होगा या तो किसी और ने उसको चुराया होगा तो उससे ये खरीदा होगा। ओके, उससे ये खरीदा होगा। तो यहाँ पर कोर्ट जो है इन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उद्धारणा कर सकती है, प्रिजम्पशन कर सकती है। तो यही चीज आपका 114 में बताया गया है। अब यहाँ पर हमारा एक 114A भी आ जाता है, इसको मैंने नोट नहीं की हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 114A। ये भी सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसको 2013 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2013 में। क्यों जोड़ा गया है? निर्भया रेप केस जब हुआ था उसके अंतर्गत बहुत सारे जो हमारे IPC है, CRPC है, उसके अंतर्गत बहुत सारे एविडेंस एक्ट है, उसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसके अंतर्गत 114A में भी 14 में A को जोड़ दिया गया जो कि 2013 में जोड़ा गया। ये क्या कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू अब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप मीन्स यहाँ पर हो जाता है कि कोई भी महिला, आपको पता है कि हमारा IPC का सेक्शन 376 जो है 376A, B, C, D बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं, आप उसे बेयर एक्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी महिला के साथ में अगर कंसेंट ना हो और कंसेंट ना होने के बाद में भी आप उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो ये आपका यहाँ पर बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उद्धारणा करता है। यहाँ पर कोर्ट जो है यहाँ पर खुद से प्रिजम्पशन लगा लेगा कि कोई भी महिला जो है कंसेंट नहीं दी होगी और कंसेंट ना देने के क्रम में किसी महिला के साथ में रेप किया गया है। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन एक दिया
किया गया है जिसमें यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो आईपीसी है आईपीसी की सेक्शन 375 के क्लॉस ए टू डी के अंतर्गत इसे सेम मींस की बताया गया है। इंडियन पिनल कोड में जो वर्णित किया गया है 375 के जो खंड क है एंड खंड घ में वर्णित किया गया है उसके अंतर्गत इसे बताया गया है। अब यहाँ पर हम लोग ने सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 114A तक हम लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा एंड यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने जो लिखा है ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं उस पर वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ। एंड इस एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हमारा 113A जो है कब इसे इंडियन एविडेंस एक्ट में जोड़ा गया था, कब इसे इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया था, इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड बाय बाय, थैंक यू। एंड एक लास्ट कहना चाहती हूँ मैं कि जो भी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में अगर मुझे फॉलो नहीं किए होंगे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लीगल अपडेट जो है डालते रहती हूँ। एंड बाय बाय, थैंक यू।